स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अंडा में। चलिए मैं फिर हाजिर हो गया हूँ एक नया वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग में किस तरह के रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि BSSC इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग से किस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से, रीजनिंग का BSSC में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 4 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है, यानी कि 200 मार्क्स का, 200 नंबर का रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है BSSC में, और अगले महीने इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो बिल्कुल हम एग्ज़ाम पैटर्न पर क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग से पहला क्वेश्चन, बिल्कुल एक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चन मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो एग्ज़ाम पैटर्न पे है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, 100% इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगर गुना का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है और प्लस का अर्थ भाग है, तो 8 × 7 − 8 + 40 / 2 इस इक्वेशन का मान क्या होगा। तो देखिए आपका स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि गुना का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है और प्लस का अर्थ भाग है, बिल्कुल इस इक्वेशन पे वही चीज जो स्टेटमेंट ऊपर कहा गया है उसको हम रख देंगे। अब देखिए 8 को यहाँ लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब गुना का, इस गुना का अर्थ क्या है, इस गुना का अर्थ प्लस है तो प्लस में 7 लिख देंगे। अगला है माइनस, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है, आप देखेंगे कि माइनस का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे और गुना करके हम 8 लिख देंगे। ठीक है, ये 8 हो गया। अब देखिए अगला स्टेटमेंट कहता है कि प्लस का अर्थ भाग है, यानी प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ भाग करके हम 40 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ पे हमको क्या दिया है, भाग। अब देखिए भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ यहाँ पे हम देखेंगे तो भाग का अर्थ माइनस है, तो -2। अब देखिए जो स्टेटमेंट कहा गया है कि प्लस का भाग है, माइनस का गुना, जो भी स्टेटमेंट ऊपर कहा गया है उस हिसाब से हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। जब हमारा इक्वेशन ये तैयार हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, और इसको हल करने से पहले हम बॉडमास के रूल को फॉलो करेंगे। बॉडमास जी क्या कहते हैं कि पहले तो ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एड, सब्ट्रैक्शन, इस चीज को ध्यान में रखना है। यहां तो ब्रैकेट वगैरह नहीं है, ठीक है, यहां डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एड और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे ये चार रूल फॉलो होंगे, तो हम उसी टाइप से इस चीज़ को हम ये करेंगे। अगर आप उस चीज़ से नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो सेट किया जाता है उसका आंसर बॉडमास के रूल पे ही सेट किया जाता है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना। अब देखिए पहले हम भाग का काम करेंगे, क्योंकि भाग बॉडमास में डिवाइड पहले आता है, तो 8 + 7 × इसको 8/40 लिख सकते हैं, क्योंकि 8/40 है, तो 40 − 2। ठीक है, अब 40 8 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन हो जाएगा, 8 + 7/5 − 2। ठीक है, ये हमारा 8 + 7/5 − 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 है, प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो 8 − 2 क्या हो जाएगा, 6 + 7/5। अब इसको हम जोड़ देंगे, 5 LCM आएगा, 5 × 6 = 30 + 5 × 5 जाएगा एक बार में, 1 × 7 = 7, तो 37/5 इसका आंसर हो गया। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, 37/5, ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो बॉडमास के रूल पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे रेलवे का हो एग्जाम, SSC का हो, ग्रुप डी, NTPC, जितने भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुना का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, भाग का माइनस है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस प्रकार बीडीजी संबंधित है सीएफजे से, ठीक है, तो उसी प्रकार ईजीजे संबंधित है किससे। अब देखिए यहाँ पे एक में रिलेशन दे दिया है, बीडीजी का रिलेशन सीएफजे से दे दिया है, यानी कि जो बी और डी और जी है ना, इसका रिलेशन दिया है सी एफ और जे से, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि ई जी जे इन तीनों का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो आप इन दोनों के रिलेशन को आप समझ पाएंगे तभी आप इन दोनों में रिलेशन निकाल पाएंगे। जब आप इसको देखेंगे कि बी डी जी का रिलेशन है सी एफ जे से, तो पहला अक्षर देखेंगे बी, इसमें प्लस वन हो रहा है, ठीक है, पहला जो अक्षर है उसमें प्लस वन हो रहा है, तो बी के बाद सी आ जा रहा है, ठीक है। जब आप दूसरा देखेंगे तो इसमें प्लस टू हो रहा है, प्लस टू हो रहा है कि डी के बाद क्या आता है, ई आता है, और ई के बाद एफ आता है, तो प्लस टू हो रहा है, तो एफ आ गया। जब हम तीसरा इक्वेशन देख रहे हैं तो इसमें प्लस थ्री हो रहा है, यानी जी के बाद एच आई जे, आप देख सकते हैं जी के बाद एच आई जे प्लस तीन हो रहा है। तो आप इक्वेशन आप समझ गए, जब आप इस इक्वेशन को समझ गए इसका मतलब है कि पहला में जो होगा प्लस वन होगा, जब पहला में अगर प्लस वन होगा तो ई के बाद क्या आएगा, एफ, तो यहाँ पे एफ। अब जब ऑप्शन में देखेंगे तो एफ सब हर ऑप्शन में पहला अक्षर जो है एफ है। दूसरा में हम क्या करेंगे, दूसरा में हम प्लस टू करेंगे, प्लस टू करेंगे तो जी के बाद क्या आएगा, एच आई, अरे अंग्रेजी अल्फाबेट नंबर में जी के बाद क्या आता है, एच आई, तो प्लस टू के बाद क्या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है। आई भी देखेंगे तो दो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में आई है, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे, अगला में क्या करना है हमको, प्लस थ्री करना है। जब हम प्लस थ्री करेंगे तो जे के बाद क्या आता है, के एल एम, तो एम ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम, तो हमारा ऑप्शन तैयार है कि ई जी जे का रिलेशन एफ आई एम होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी में हमारा रिलेशन मैच करता है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे तो सिंपल प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री का पूछ लिया है, अल्टरनेट करके इसका उल्टा भी करके पूछा जाता है, या ज़्यादा संख्या जोड़ के भी पूछा जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको एक एग्जाम में मिलेंगे ही, चाहे प्लस वन कर प्लस टू प्लस थ्री करके पूछे, या पाँच दस पंद्रह करके पूछे, या इसका रिवर्स करके पूछे, इस टाइप के क्वेश्चन आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज से है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रृंखला दो चार सात चौदह सत्रह चौंतीस अगला पद क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, देखिए दो चार सात चौदह सत्रह और चौंतीस है, हमसे अगला पूछा गया है कि अगला पद क्या होगा। देखिए जब आप दो को देखेंगे, चार को देखेंगे, फिर सात, यहाँ पे तीन गैप हो रहा, फिर यहाँ पे डबल हो जा रहा, फिर यहाँ तीन, तो इस कंसेप्ट को, इसमें दो सीरीज चल रहा है, इस क्वेश्चन में दो सीरीज चल रहा है, उन दोनों सीरीज को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अगला पद उसका निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, दो गुना दो चार, दो का दो से गुना हो रहा है तो चार हो रहा है। फिर अगला वाला में क्या हो रहा है, अगला सीरीज में सिर्फ प्लस तीन हो रहा है, ठीक है, प्लस तीन हो रहा है, तो चार में प्लस तीन होगा तो सात। फिर इन दोनों में क्या हो रहा है, सात गुना दो चौदह। फिर अगला पद में जानते हैं क्या हो रहा है, चौदह प्लस, यहाँ पे अगला पद में प्लस तीन हो रहा है, तो प्लस तीन चौदह प्लस तीन क्या हो रहा है, सत्रह। फिर अगला वाला में क्या हो रहा है, सत्रह गुना दो, यानी सत्रह दुना चौंतीस, इसका मतलब है कि अल्टरनेट करके मल्टीपल दो से हो रहा है और प्लस तीन हो रहा है। पहला में दो से गुना हुआ प्लस तीन हुआ, दूसरा में दो से गुना हुआ प्लस तीन हुआ, तीसरा में दो से गुना हुआ, तो अगला पद में क्या होगा, अगला पद में यही ना होगा, प्लस तीन कर देंगे तो हो जाएगा। आप इस सीरीज को देखिए, पहला में दो से गुना हो रहा है, दूसरा में प्लस तीन हो रहा है, तीसरा में दो से गुना हो रहा है, चौथा में प्लस तीन हो रहा है, चौथा में दो से गुना हो रहा है, इसका मतलब है कि अगला पद में सिर्फ प्लस तीन होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 34 में अगर आप प्लस तीन करेंगे तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, 37, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो
तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सीरीज में बहुत बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो यहाँ पे दो पद में पूछ जाए, कभी कभी सिंपल एक ही पद में पूछ देगा, आपको दो दे देगा, पांच दे देगा, आठ दे देगा, फिर 11 दे देगा और अगला पद पूछ लेगा। तो आप इसमें क्या देखेंगे, जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 + 3 हो रहा है तो 5 हो रहा है, फिर 5 + 3 हो रहा है तो 8 हो रहा है, 8 + 3 हो रहा है तो 11 हो रहा है। इसका मतलब है कि हर स्टेप में +3 ऐड होते जा रहा है, तो 11 + 3 कर देंगे तो आपका 14 आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन के जगह पे 14 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल, वन इसमें एक ही टाइप के ऐड होते जाते हैं, जैसे इसमें +3 + 3 + 3 ऐड होते गए, इस टाइप के होता है। या इस क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पे दो सीरीज काम कर रहा है, एक में गुना दो का गुना हो रहा है, दूसरे में +3 हो रहा है, दूसरे में तीसरे में +2 का गुना हो रहा है, तीसरे में +3, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीरीज में क्या होता है, कभी कभी डबल पूछे जाते हैं, 4 × 8, 8 × 16, 16 यानी 2 का मल्टीपल पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी मैं सीरीज टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ, इसको भी देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, देखिए 20, 17, 18, 15, 16, इसमें भी दो सीरीज काम कर रहा है, ठीक है, इसको देखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 20 से 17, ये लॉजिक रीजनिंग क्या होता है, ये लॉजिकल चीज होता है, आपके दिमाग से सोचना है कि यहाँ पे क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, क्या गुना होगा, क्या भाग होगा, रीजनिंग में यही है, ठीक है। रीजनिंग में आपको सीरीज में खास तौर पे या तो प्लस होगा, माइनस होगा, गुना होगा, भाग होगा, इस टाइप के ही रीजनिंग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये सोचना होगा और दिमाग थोड़ा लगाना होगा, क्या लॉजिक इसमें काम कर रहा है, अगर कोई भी सीरीज दिया रहेगा, इस सीरीज को हम देखते हैं इसमें क्या लॉजिक काम कर रहा है। जब आप इस सीरीज को देखेंगे कि 20 के बाद तुरंत 17 है, तो आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा कि यहाँ पे -3 हुआ है, अगर 20 में से -3 होगा तभी 17 होगा। फिर अगला पद जो देखेंगे कि 17 के बाद 18 होगा, तो आपका लॉजिक यही कहेगा कि 17 में +1 हुआ है तभी तो 18 हुआ है, ये आपके दिमाग में ये लॉजिक काम करेगा। फिर अगला स्टेप जब देखिएगा कि 18 के बाद 15 हुआ है, यानी कि 18 में से -3 कम हुआ होगा तभी जाके 15 होगा। फिर अगला स्टेप जब देखेंगे कि 15 के बाद 16 है, तो आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा कि 15 में से +1 हुआ होगा तो 16 हुआ होगा। ये दो लॉजिक अगर आपका दिमाग में काम कर गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लॉजिक क्या काम कर रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये लॉजिक यही काम कर रहा है कि एक बार -3 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है। तो अगला वाला स्टेप में देखिए, फिर यहाँ पे -3 हुआ है, 16 में से -3 कम होगा तो 13 होगा। इसका मतलब है कि अगला जो पद होगा, अगला पद होगा +1, 13 में से +1 ऐड करेंगे तो 14 आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस लॉजिक को समझने की बात है, किसी भी श्रृंखला निकालने में, किसी भी सीरीज टाइप के क्वेश्चन में ये लॉजिक देखना होता है कि लॉजिक आखिर फॉलो क्या कर रहा है वो सीरीज। अगर आपका प्लस कर रहा है तो सब में प्लस कर रहा है, किस टाइप का प्लस कर रहा है, कितना प्लस कर रहा है, माइनस कितना कर रहा है, ये चीज़ को देखना होगा। यहाँ पे 2 सीरीज फॉलो, इसमें 2 जो है 2 लॉजिक फॉलो हो रहा है, इसमें 2 लॉजिक फॉलो हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं, एक बार -3 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है, तो इसी तरीके से आगे ये कारवा चलता गया और आपका आंसर आ जाएगा। ये यहीं तक छठे ही स्टेप में आपका आंसर आ गया, हो सकता है लॉन्ग स्टेप भी जाए। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 666 यानी 3 6 = 17 है, 3 7 = 777 = 20 है, तथा 888 = 23 है, तो 999 का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, समझने की बात है। जब आप ये तीनों जो स्टेटमेंट दिया गया है कि 666 का मान 17 है, ठीक है, 777 का मान 20 है, और 888 का मान कितना दिया है, 23, जब इन तीनों का लॉजिक आप समझ जाएंगे तभी 999 का लॉजिक आप निकाल पाएंगे, ठीक है।
तो इस लॉजिक को समझिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले अगर हम जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे तो 6 + 6 + 6 ये कितना आ रहा है 18। यानी कि इस लॉजिक में 18 माइनस अगर 1 कर देंगे तो 17 आ रहा है, ठीक है। फिर अगला में देखेंगे अगर इन सभी को जोड़ देंगे, जब 7 + 7 + 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 21, तो 21 - 1 कितना आ रहा है 20। अब 888 में इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है 8 × 3 = 24 - 1 = 23। अब हमारा लॉजिक काम कर गया कि सभी को जोड़ के माइनस वन कर देने पे हमारा ये आ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इन सभी को जोड़ के हम माइनस वन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 + 9 = 9 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 27 - 1 = 26। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 26। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।